ये प्रौढ़ श्रोताओं के लिए बनाया गया एक काल्पनिक कार्यक्रम है और इसमें कठोर भाषा है। इस कार्यक्रम का किसी वास्तविक व्यक्ति, समुदाय, व्यवसाय, स्थान या घटना से समानता एकमात्र संयोग है। पात्रों द्वारा नशीली दवाओं, शराब और तंबाकू के उपयोग को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी व्यक्ति, इकाई, संस्था, समूह, जाति, धर्म, नस्ल या समुदाय को ठेस पहुंचाना या अपमानित करना नहीं है। श्रोताओं को दृढ़ता से विवेक रखने की सलाह दी जाती है। सोचा नहीं था कि इस बार में बियर की इतनी वैरायटी मिलेगी। Cheers! एक जमाने में यह जगह शायद लास वेगास हुआ करती थी, इसलिए हैरत भी क्यों हो रही है समझ नहीं आ रहा। ये छोटी सी जगह जो भी है, क्या कहे इसे, चौकी, नगर, कस्बा? ये हैमर फॉल्स है, सिर्फ एक कस्बा। देख के कोई कह सकता है कि इस कस्बे के जस्ट बाहर गाड़ियों जितनी बड़ी बड़ी मकड़ियां हैं, रोबोट बाइकर्स हैं, कयामत के संगठन, और कभी कभी बागी हल्क भी दिख जाता है तबाही मचाते हुए। हम अपनी आंखें बंद ही रखते हैं। जीमो की सल्तनत का ये हिस्सा कमाल है कि नहीं? हाँ, कमाल है। अरे, इन्होंने बियर खोली क्यों नहीं? कुछ है क्या? शाबाश, आजकल अपने तीरों का ऐसा इस्तेमाल कर रहे हो, सपनों का घर बसा लिया तुमने तो। बीवी, बच्ची, दो बेड, दो बाथरूम, गार्डन, अच्छी जिंदगी, अच्छे लोगों के बीच। हाँ, अच्छे लोग हैं, ये सब अच्छा, बेहतर। क्या क्या हुआ, कोई भूत वो देख लिया क्या? क्रिंड, वो उस बंदे को जानते हो क्या? रहने दे, पॉइंट पे आउरिंग मास्टर। अरे मुझे सिर्फ मेनर्ड कहो यार, इतनी बार धरा है तुमने मुझे। वक्त भी मजेदार चीज है, गोल गोल घूमता है यार। पुरानी बातें, पुराने किरदार सब मिट गए। अब किसी को परवाह नहीं कि किसने किससे चोरी की, किसने किसको हराया। हीरोज, विलन्स सब चले गए। वीडे ने सब कुछ बदल दिया और दुनिया आगे बढ़ गई। अब हम जैसों की इनको जरूरत नहीं, जरा भी नहीं। लेकिन तुम और मैं, हम अब भी काम के हैं। हमारी आज भी वैल्यू है। जानता हूं कि जीमो, डूम, द थंडरबोल्ट्स, इन सब ने तुमसे कुछ ना कुछ छीना है, लेकिन हम सबसे भी तो छीना है। इस दुनिया में एक चीज की बड़ी कमी है, एक जरूरी और अहम चीज, स्टोरीज, अफसाने, दास्ताने, हैरतअंगेज कहानियां पॉल बनियन की, पीकॉस बिल की, जॉन हेनरी की, उनके नाम सबके जुबान पे हुआ करते थे। इन्होंने इस मुल्क को बनाया, लेकिन उन्हें कोई याद नहीं करता। पर कुछ नाम आज भी याद है सबको। कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन, थॉर, ब्लैक पैंथर, ब्लैक विडो, हॉकाई। हाँ, जीतने वाले ही इतिहास लिखते हैं, लेकिन पूरी कहानी नहीं। हम लोगों को फिर याद दिला सकते हैं कि उन्होंने क्या गवाया है। कहानियां लौटाकर हम उन्हें नई उम्मीद दे सकते हैं, नया मकसद दे सकते हैं। तुम और मैं उन्हें ये सब दे सकते हैं। एक कहानी इतनी विशाल, इतनी उम्दा, इतनी हैरत अंगेज कि सर से आंखें बाहर निकल आए, खोपड़ी के अंदर दिमाग फट जाए और नोटों की गड्डियां पॉकेट से उठकर निकल आए। देख, सारी तैयारी हो चुकी है। शहर में जो मेला लगा है ना, उसका मालिक तुम्हें पसंद आएगा। मैंने उससे बात की है, एक शो करने की बात, एक हैरत अंगेज शो जिसके सुपरस्टार तुम होंगे, लीड हीरो।
और हम सिर्फ इस सल्तनत में नहीं रहेंगे, शो लेकर घूमेंगे देश भर में, हर किसी को सुनाएंगे, दिखाएंगे। मुझे पता है तुम्हें पैसों की जरूरत है, किसे नहीं होती, और इसमें पैसे हैं, बहुत सारे पैसे। सोचो क्या कुछ कर पाओगे तुम अपनी बीवी के लिए, अपनी प्यारी बच्ची के लिए। बाकी जिंदगी आराम से कट जाएगी और शायद वो फिर से तुम्हारी इज्जत करने लगे। मेरी बेटी को इसमें मत घसीट। ठीक है क्लिंट, लेकिन तुम्हें थंडरबोल्ट्स मिलेंगे नहीं। उन्हें आसमान खा चुका है, जमीन निगल चुकी है, पर इस तरह से तुम उन्हें हरा तो सकते हो उनके खेल में, जीमो, डूम और बाकियों को हरा सकते हो। तुझे बड़ा पता है। इतना तो पता है। कुछ नहीं पता तुझे, तू नहीं जानता क्या होने वाला है। यही जीत का रास्ता है, खुद को फिर से कहानी में डाल दो, और हमेशा के लिए नहीं, सिर्फ 2-3 हफ्तों के लिए या शायद 1-2 महीना। और क्या करना होगा मुझे? बस अपना किरदार निभाओ मेरे दोस्त, अपना किरदार निभाओ। हाँ, पर वो मैं कभी नहीं करूंगा। मार्वल एंटरटेनमेंट और ऑडिबल पेश करते हैं मार्वल्स वेस्टलैंडर्स हॉकाई। Chapter 1, तमाशा। इस मुहिम का वो लोग हिस्सा बने और कैप्टन अमेरिका मर चुका है, ब्लैक विडो मर चुका है, आयरन मैन मर चुका है और मर चुका है, रेड स्कल ने प्रेसिडेंट का पद ग्रहण कर लिया, का फिर से बंटवारा 2 भागों में हो गया है, जिन पर राज है बैरन ज़ीमो, डॉक्टर डूम, टास्क मास्टर ने किया सुपर पावर रिबेल्स का खात्मा, वेस्टर्न पार्ट में हल्क को देखे और टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा, जिससे कि बहादुर का जाना जाता है उसकी होम सिक्योरिटी, एमल फॉल सिटी में क्राइम रेट में गिरावट, ब्रदरहुड ट्रैवलिंग सर्कस ज़ीमो की सल्तनत में फिर से लौट रहा है सीमित समय के लिए। सल्तनत जिंदाबाद, ज़ीमो जिंदाबाद। अरे आइए आइए, किस्मत आजमाइए, अरे आइए आइए, अपना हुनर दिखाइए, कैप्टन अमेरिका पर 3 गोली चलाइए और सॉलिड इनाम पाइए, अरे आइए आइए, किस्मत आजमाइए, अरे आइए। ओए, अरे सुनो, अरे तुमसे बात कर रहे हैं चुटकी। भाड़ मेरा नौटंकी। कुछ चाहिए क्या आपको? पिछले 5 मिनट से देख रहे हैं खंभे जैसी खड़ी है सिर्फ। क्या चाहिए? पहली बार मेले में आई है का? हाँ, तो क्या? अच्छा, तो फिर ब्रदरहुड के ट्रैवलिंग सर्कस इस मेले और रिंग मास्टर के रोड शो की तरफ से आपका वेलकम है, और आपका आना हमारी खुश नसीबी। हर बार सेम रट्टा मारी हुई लाइन बोलते हो क्या? अरे अब जब आना हो ही गया है तो आजमा लीजिए ना अपना हुनर, कैप्टन अमेरिका पर 3 गोली दागो और प्राइज लेके भागो। प्राइज तो चाहिए ना चुटकी? डम्बो नहीं हूँ मैं, पता है मुझे इस गेम में कोई ना कोई झोलझाल होगा, मेले में सब झोल ही होता है। अबे यार तुम हमें बेईमान बोल रही हो, चेहरे से बेईमान लगते हैं काम। इसका जवाब देना जरूरी है क्या? देखिए मैडम, ये खेल हुनर का है, किस्मत का नहीं, और देखने में तुम क्या हुनरबाज लगती हो। अगर मैं तुम्हारा ये गेम खेलूं तो मेरे कुछ सवालों का जवाब दोगे? जो आप खेली तो हर सवाल का जवाब मिलेगा। नाइस, तो करना क्या है? तो 3 ज़ीमो वाले सिक्के लाओ और 3 बार निशाना लगाओ, हर निशाने पे 1 जवाब। बोलो मंजूर? जे हुई ना बात, लो बंदूक उठाओ और जब कैप्टन सामने आए ठोक डालो, 3 गोलियां निशाने पे तो इनाम तुम्हारा। यहाँ सारे इनाम बकवास हैं। अरे हमने कब कहा कि इनाम जबरदस्त होंगे? वैसे हम हैं जूनियर। जूनियर? हाँ। और तुम्हारा नाम? ओके, मत बताइए। अरे गजब निशाना है, ऐसा निशाना लगाती रही तो बड़ी होकर टास्क मास्टर बनेगी। टास्क मास्टर? स्कल मास्क के नीचे सब बेईमान पुलिस वाले हैं, सारे के सारे। अबे धीरे बोलो यार, अगर उन्होंने सुन लिया तो घसीट कर वेस्टलैंड ले जाएंगे तुम्हें। तो सुनने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। डूम की निगरानी में रहोगी ना तो फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो मेरे सवाल, तुम इस मेले के साथ काफी टाइम से हो? हमारे बाबूजी का है।
तो बाकी खुद समझ जाइए। दो निशान है। अरे टास्क मास्टर छोड़ो, तुम तो मतलब अगली सीमो बन सकती हो बे। वाह, उसके नाम से उल्टी आती है। टास्क मास्टर को गाली, सुल्तान जीमो को गाली, वो भी यहाँ जीमो की सल्तनत में। सॉलिड रिक्स ले रही हो तुम। मुझे जीमो से डर नहीं लगता। उससे क्या डरना जो फुल टाइम एक टावर में छुपाओ। बाहर आते हैं कभी कभार। बर्थडे पर बालकनी से हाथ दिखाना बाहर आना नहीं होता, वो अपना चेहरा दिखाने से डरता है। सालों से किसी ने उसे देखा नहीं है। वैसे हमने सुना है वो यहाँ आ रहे हैं 3 दिन में। मजाक कर रहे हो? नहीं यार, हमार बाऊजी ने उनसे बात की है। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं पहले से। बाऊजी ने उन्हें शो के बारे में बताया था, कैसे वीडे की कहानी दिखाते हैं हम लोग यहाँ। जीमो आके देखना चाहते हैं। तुम्हें पसंद है शो? ठीक ठाक है, हमको तो दी एंड पता है इसलिए। हाँ वो तो सबको ही पता है। अगला सवाल, तुमने कभी उससे बात की है? उससे? अच्छा, अपना मेन हीरो से, हॉकाई से? वो बातें नहीं करता। अच्छा, सुपरस्टार वाला एटीट्यूड है। वो ज्यादा मिलनसार नहीं है, हमारे साथ तो बिल्कुल नहीं, और टल्ली होने के बाद तो कतई नहीं। वैसे बता दे कि तुम हमसे 3 से ज्यादा सवाल पूछ चुकी हो। वैसे बता दे कि तुम भी जवाब दिए जा रहे हो। वो तो इसलिए क्योंकि बड़ा दिल है हमारा। इंप्रेशन जमा क्या? हाँ जम गया। लगा निशाना 3, चुटकी जीत गई, चुटकी चुप रहो, जीत गई। यार तमाशा क्यों कर रहे हो, डिंडोरा नहीं देखना है। चुटकी जीत चुकी है। माफ करना, यही हमारा धंधा है। निशाना सॉलिड है वैसे। चलो उस लाइन से जो मन करे वो गिफ्ट ले लो। डॉक्टर डूम वाला गुड्डा जनता ज्यादा ले जाती है वैसे। उस लाइन से? लेकिन तुमने तो, हमने कहा था प्राइज मिलेगा। कौन सी लाइन से मिलेगा ये तो नहीं कहा था। बोला था झोल है। अरे इसे चैलेंज समझो ना चुटकी। मुझसे 1 ही साल बड़े होगे तुम। बड़ा वाला प्राइज जीतना है तो 3 बार और निशाना लगाइए। लेकिन उसके लिए 3 और जीमो सिक्के निकालिए। सब झोल जाल है यहाँ, सब हाथ धो के पैसे लूटने में लगे हैं। सबके सब झूठे, किसी की भी बात पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। यार कुछ भी गैर कानूनी नहीं है यहाँ। जैसा तुम ही बोली थी, अल्ट्रॉन से सेटिंग करके और टास्क मास्टर को घूस खिला के कुछ भी जुगाड़ हो जाता है। मुझे देख के लगता है क्या कि टास्क मास्टर को घूस देने के लिए मेरे पास पैसे होंगे? लगता तो नहीं है। मेरा एक और सवाल है, तुमने कभी यहाँ कुछ अजीब होते सुना है? ये मेला है जाने मन, यहाँ सब अजीब ही होता है। नहीं मेरा मतलब जैसे ड्रग्स, वैसे टाइप की बात। हमको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता। अच्छा नहीं, उड़ती खबर है कि यहाँ अजीब अजीब टाइप की चीजें मिलती हैं। चीजें जैसे हाइप। इन सब चीजों के बारे में हमको आइडिया नहीं, लेकिन हाँ कुछ सुने थे। मतलब कोई तो पकड़ा था, कुछ हफ्ते पहले ऐसा कुछ चल रहा था, सर्कस के शुरू होने से पहले ना। हाँ हाँ, तुम लोग के आने से ठीक पहले। तुम्हें कैसे पता चला? जैसा तुमने बोला, उड़ती खबर थी। और क्या सुना तुमने? हमने सिर्फ इतना सुना कि किसी हाई स्कूल में बच्चों ने हाइप नाम का ड्रग लिया, अतरंगी शक्तियाँ मिली उनको, सब पगला गए और सब कुछ उड़ा दिए। तुम भी थी क्या वहाँ? तुम्हें पता है कि हाइप कैसे मिल सकता है अगर किसी को जरूरत हो तो? पता रहे, इन सब में ना ही पढ़ो यार। तुम्हें क्या पता मुझे क्यों चाहिए? देखो हमको उसके बारे में कुछ पता है भी नहीं। ओके ठीक है, वैसे बहुत मजा आया। अरे जाना जरूरी है। जरूरी नहीं है पर जाना है मुझे। अरे हम इतने स्वीटली बिहेव किए फिर भी। पैसे मारे तुमने मेरे। और हाँ, अरे अपना इनाम तो लेते जाओ। अगले बकरे के लिए रख लो। अरे रुको, तुमको शो देखना है, हम ले जा सकते हैं मुफ्त में। सच? मुझ बस उस टेंट के पास मिलो आके, सॉलिड वाली सीट दिलाएंगे। ओके ठीक है। सो 10 मिनट में स्टार्ट होगा, बस वहां आके मिलो हमको, समझी? हाँ हाँ ओके। वैसे मिलके खुशी हुई मिस। अच्छा खुफिया पंती। अरे आइए आइए, किस्मत आजमाइए, चक्का घुमाओ, पटक पटक वुल्वरीन, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालो, अटक पटक। हाथ छोड़ो मेरा, दूर रहो मेरे से, हटो। बॉबी, माँ को नाम से बुलाती हूँ। ओह प्लीज, तुम मेरी असली माँ नहीं हो। पाल पोस के बड़ा किया है तुम्हें, खिलाया पिलाया, कपड़े लगते सब,
मैं माँ हूँ तुम्हारी, अब घर चलो चुपचाप। मुझे बच्ची क्यों समझ रही हैं आप? क्योंकि इस घिनौनी सल्तनत में अकेली घूमने के लिए तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ तो नहीं। अगर आपको पसंद नहीं तो आप घर जा सकती हैं। मैं अब भी तुम्हारी बैंड बजा सकती हूँ, तुम्हें पता है ना? फाइन मम्मा, 17 साल की हूँ अब, पता है क्या कर रही हूँ? हर 17 साल की लड़की यही कहती है और गलत होती है। मैं गलत नहीं हूँ। यूं टहलते हुए जीमो के बारे में अनाप शनाप बक रही हो, खुले में किसी भी अहरे गहरे लड़के से हाइप को लेकर सवाल जवाब कर रही हो, कोई सुन लेगा तो? किसी अल्ट्रॉन को बताया तो? तुम्हें टास्क मास्टर से मिलना है क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है, खासकर आप मुझे कंट्रोल नहीं करती। फिर चुपके से क्यों निकली, सीधे सीधे बोला क्यों नहीं कि यहाँ आ रही हो? मुझे लगा मेरी चिट्ठी से समझ आ जाएगा। तुम्हारी चिट्ठी, ये चिट्ठी, इससे क्या समझो? तुम ही बैठ के बताओ जरा। बॉबी मुझे जाना है, पता नहीं वापस कब आऊंगी, पता नहीं आऊंगी भी या नहीं, ख्याल रखना। जैसे मैंने कहा सब समझा तो दिया था। ऐश मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, मुझे पता है तुम कैसा महसूस कर रही हो। नहीं आपको नहीं पता है मैक्स के साथ जो हुआ उसके बाद। मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी है, मुझे मैक्स के बारे में बात नहीं करनी है, और मुझे आपसे बात नहीं करनी है। ऐश आई एम सॉरी, पता है तुम प्यार करती थी उनसे, और किसी को खोने का दर्द मैं समझती हूँ, और उसका असर भी। हैमर फॉल्स ये सल्तनत परफेक्ट नहीं थी, लेकिन सेफ थी, सेफ जगह थी तुम्हारे और मेरे लिए। मैं सेफ रहती भी तो कैसे, स्कूल जाकर एक हिस्ट्री सीखती हूँ, आप दूसरी हिस्ट्री बताती हो। आप बताती हो कि आप कभी एवेंजर हुआ करते थे। आवाज नीचे रखो लड़की। लेकिन ये हीरोज की दुनिया नहीं है, आपने सिर्फ झूठ पे झूठ बोला है मुझे। तुम बच्ची हो और तुम्हें पता नहीं तुम क्या कह रही हो, और तुम्हें लगता है कि यहाँ जो तुम ढूंढने आई हो, जिसे ढूंढने आई हो। आपने शादी की थी उनसे? हाँ हाँ की थी, और तुम्हें नहीं लगता कि मुझे पता है कि वो कौन है, वो क्या है? मुझे वो याद भी नहीं है, 10 साल पहले भाग गए थे वो। मुझे खुद के बारे में कुछ नहीं पता, क्या मुझे जानने का हक नहीं है? अगर तुम्हें खुद के बारे में जानना है बच्ची, तो मुझसे पूछना तो चाहिए था। तो बताइए कौन है मेरी असली माँ? मैं तुम्हारी माँ हूँ, हर मायने में। आप मेरी माँ नहीं हो, आप मेरी मम्मा नहीं हो। जहां तक मुझे पता है आप वो औरत हो जिसके घर के दरवाजे पर मैं मिली थी। आप मेरे लिए कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। अब हटिए मेरे रास्ते से। अरे सुनो, खुफियापन वाली लड़की, यहाँ यहाँ आओ, यहाँ सॉलिड सीट्स यहाँ पर है। कितने लोग हैं यहाँ, कितना शोर शराबा है, खचा खच भरा है। बड़े टेंट में तो 400-500 लोग फिट हो जाते हैं, लेकिन आवाज आती है जैसे कि 1000। कान फाड़ बिल्कुल। ये सबसे भन्नाट सीट्स है, यहाँ से सब कुछ एकदम जब्बार दिखेगा। लगता है आधे से ज्यादा हैमर फॉल्स यही है। ये लोग हम कलाकारों से प्यार करते हैं और हम कलाकार इनसे। लो जी हो गया शुरू। मेहरबान खबरदार, ये कौन? मैं हूँ रिंग मास्टर। पहले के जमाने में इनका बड़ा नाम था। एक जमाने में मुझे विलन बुलाया जाता था, एक शैतान, एक मुजरिम। पुराने दिनों में, धोखे और मक्कारी के दिनों में, मैं लोगों के दिल दहला देता था। लेकिन आज रात मैं आपका होस्ट और दोस्त हूँ, आपका सेवक हूँ, आपका मदारी हूँ। और सच कहूँ तो वापस आकर अच्छा लगा है जीवो की सल्तनत में। हमारा ये छोटा सा सर्कस हर जगह घूम के आया है, हल्कलैंड से लेकर पूरब में प्रेसिडेंट के इलाके तक, वेस्टलैंड से लेकर मेक्सिको के गल्फ तक, और बीच के हर जगह तक। लेकिन यहां लौटना
जीमो की सल्तनत में घर आने जैसा है। और अब जिसका इंतजार था आप सबको, वो घड़ी आ चुकी है। हमारे मेन सुपरस्टार का, हमारे बिग शो का। लेकिन उसे बाहर ले आने से पहले माहौल तो बना दे। चलते हैं एक सफर पर, भूले बिसरे दिनों में, उस पुरानी दुनिया में। पुराने दिनों में ना, वो अपनी टोपी में रखी उस चीज से ना लोगों को कंट्रोल कर सकता था, उनके दिमाग को। और अब वो पिक्चर दिखाता है? हाँ, पुरानी फिल्मों की तरह, लेकिन हवा में। याद करो वो पुराने शहर, वो चीटियों वाला भीड़ भड़का, वो जिंदगी काटने की जुस्तजू। चलो उन दिनों की ओर। ऐसा लगता है जैसे आप सचमुच वहाँ हो। जिसकी बुनियाद आजादी और तरक्की पर रखी गई थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन सब ठीक नहीं था। लोग जिंदगी गुजारने की, जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर कदम पर उन पे कोई नजर रख रहा था, उनका पीछा कर रहा था, कोई उनका शिकार कर रहा था। और वो शिकारी थे सुपर हीरोज। इस पे कौन यकीन करता होगा? अरे इनकी बातों पर सब यकीन करते हैं। जिन्हें अचानक नसीब से ताकत मिली, या फिर घमंड और स्वार्थ में ताकत छीनने वाले सुपर हीरोज। उन्होंने अपनी मर्जी दुनिया पर थोप दी, खुद बन गए जज, जूरी और जल्लाद। आपके और मेरे जैसे मेहनत की खाने वाले आम आदमी के लिए नाम सुने तो होंगे आपने, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, दी एक्स मैन, और द अवेंजर। लगा था कि उनकी ये तानाशाही कभी नहीं रुकेगी, लेकिन फिर किसी ने कहा बहुत हो चुका। सीमो, किसी ने सोचा आम आदमी के लिए लड़ना है, मेहनत करने वाले लोगों के हक के लिए। वो शख्स था बैरन हेलमट जीमो। जीमो हैवान है। मगर बैरन जीमो तो एक आदमी था, एक अकेला आदमी। क्या करता वो? उसने एक प्लान बनाया जिसमें मदद की जरूरत थी, मदद उनसे जो उस सदी के सबसे शक्तिशाली दिमाग थे, द रेड स्कल, डॉक्टर डूम। लगता है जैसे वो यहीं है, जैसे जीमो और बाकी यहीं खड़े हैं। अरे हमारा सो है ही ऐसा। तुम्हें इस पे गर्व है? उन्हें सिर्फ एकजुट होकर काम करना था, और जीत पाने के बाद वो एक नई दुनिया कायम करते, एक आजाद दुनिया, ऐसी दुनिया जहां आदमी हो या औरत अपनी तकदीर खुद तय कर सके, खुद की खुशी के पीछे दौड़ सके, बिना रुकावट में, बिना रोक थाम के। एक दुनिया जहां हर कोई अपने मुकद्दर का सिकंदर होता। मगर उससे पहले हीरो जोकर। सारे हीरोज को जोकर्स की तरह दिखाया जा रहा है? नहीं नहीं, सबके सब नहीं। खून जोकर्स में नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, आगे जलवा तो देखो। अवेंजर्स असेंबल, कैप्टन अमेरिका, थॉर, ब्लैक विडो। ये गलत है, सरासर गलत है। लेकिन रुको, एक और है, एक और हीरो,
एक और सच्ची नेक आत्मा, खुद को मसीहा समझने वाला मेहरबान कदरदान पेश है होका। वो रहा तुम्हारा सुपरस्टार। हाय, मैं हूं होकाय और मैं एक हीरो हूं। उसने आंखों पर पट्टी क्यों बांधी? क्योंकि वो अंधा है। क्या? वेस्टलैंड्स में हुआ था। ओह नो। हमारा प्यारा बेबसा होकाय। तालियों से वेलकम कीजिए दोस्तों। और वो टल्ली है, विस्की की बू यहाँ तक आ रही है। अरे उनके लिए जूस है समझो। जरा सोचिए, एक खूबसूरत सा दिन था, अवेंजर्स अपने बड़े से घर में आराम फरमाते हुए, धूप सेकते हुए, लेकिन ये क्या अलार्म बजता है, सिर्फ एक बंदा देखता है, सिर्फ एक बंदा देखता है। अरे अलार्म बजा। क्या एवेंजर्स ऐरे गैरे सुपर विलन्स को अपने शहर में मजा करने देते, एक बैंक लूटने देते, कुछ लोगों को किडनैप करने देते? उनके जीते जी तो नहीं, तो अपने शरबत और स्विमिंग पूल छोड़कर निकल पड़े। मगरूर, लापरवाह, खुदगर्ज, बेवकूफ कहेंगे। वहां पहुंचते ही उन्हें समझ आया कि ये कोई मामूली हमला नहीं था, उनके सबसे बड़े दुश्मन एक साथ खड़े थे उनके खिलाफ। जीत की जिद ली और आज इन नाम के विलन्स के पास प्लान था, और बैरन सीमो के पास एक सीक्रेट हथियार, उनके सबसे चहीते वफादार दिलेर और ताकतवर फौजियों की टोली, द फाइटिंग थंडरबोल्ट्स, चालाक बीटल, होशियार फिक्सर, शानदार और हिम्मतवार मूनस्टोन, ताकतवर एटलस, जानलेवा सॉन्गबर्ड। Who are you? के थंडरबोल्ट्स बैरन ज़ीमो के प्लान का सबसे बेहतरीन हिस्सा थे, क्योंकि अवेंजर्स को लगा था कि वो उनके दोस्त हैं, उनके मददगार हैं, उन्हें लगा था कि उनकी मदद करने आए हैं। हे थंडरबोल्ट्स, अच्छा हुआ तुम आ गए। मगर ऐसा नहीं था, उन्होंने पासा पलट दिया। वो जज्बे के साथ लड़े, जोश और खरोश के साथ लड़े, कोई रोक नहीं, कोई झिझक नहीं, और एक एक करके हीरो मिटते गए। कैप्टन अमेरिका, स्कारलेट विच, द विजन, एंटमैन, ब्लैक विडो, सब मिट गए सिवाय एक के। हॉकाई के पास मौका था पासा पलटने का, एक मौका हीरोज के लिए दुनिया बचाने का। उसने अपना तीर खींचा और हमारे शानदार सुल्तान पर निशाना लगाया। एक सेकंड था इस दुनिया को बचाने के लिए, पर निशाना छूक गया, छूक गया फिर से। और बैरन ज़ीमो ने हॉकाई की तरफ देखा, वो बेबस लाचार हॉकाई, और उस पर रहम खाया। मुझ पर रहम खाओ। लेकिन बैरन ज़ीमो ये कैसे समझ लेते कि हॉकाई एक दिन बदला नहीं लेगा? नहीं ज़ीमो, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारी कहानी बतानी है बार बार। बैरन ज़ीमो ने हॉकाई की जान बख्श दी बीते कल की याद दुनिया में जिंदा रखने के लिए, ताकि ऐसा दौर फिर कभी ना आए। और फिर हुआ जंग का खात्मा,
बैरन ज़ीमो बन गए हमारे प्यारे सबसे महान सुल्तान ज़ीमो। उन्होंने ये सल्तनत बनाई तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए। हमें अल्ट्रॉन दिए हमारी रखवाली करने, टास्क मास्टर्स को दिया हमारी हिफाजत का जिम्मा, और अब हम विलन नहीं, अब हम विजेता हैं। और आज ही का दिन, ये खूबसूरत दिन बना हमारा विजय दिवस। तो आइए दोस्तों, तालियों से वेलकम करें आखिरी अवेंजर का होका। मुझे ये बर्दाश्त नहीं होगा। अरे अरे रुको, खत्म नहीं हुआ अभी। मेरे लिए हो चुका। बकवास बकवास बकवास। तुम ठीक हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, और तुम्हें भी नहीं होना चाहिए। घिनौना था ये, घिनौना। अच्छा, वो सब लोग थे, जीते जागते लोग, लोग जिन्हें एक दूसरे की और हमारी फिकर थी, जो दुनिया को बचाना चाहते थे और अब मर चुके हैं, मर गए हैं। पता है हमें। और ये दुनिया सही नहीं है। अल्ट्रॉन्स हमारे दोस्त नहीं, हमारे जेलर्स हैं। टास्क मास्टर हमें महफूज नहीं, हमारा सर झुकाए रखते हैं। हमें आज़ादी नहीं मिली है, हमें डरा कर रखा गया है। अरे हम बताए थे ना, ये तो केवल एक शो। ये सिर्फ शो की बात नहीं है, हमें स्कूल में भी यही सिखाया गया, पर ये उससे भी बदतर था। लोगों को क्यों जय जयकार करते देखना, शायद बॉबी सही थी, शायद मुझे घर जाना चाहिए, शायद मुझसे नहीं होगा, शायद मुझे ये नहीं, 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 भाड़ में जाए, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी। किसे जीतने नहीं दोगी? तुम नहीं समझोगे। देखो देखो, हम सब बुरे लोग नहीं हैं, आम लोग हैं। हम सब जैसे तैसे जीने की कोशिश कर रहे हैं, और पता है जो लोग मर गए ना, वो भी लोग थे, सिर्फ लोग। पता है, तो उसे अब भी मिलना है। हम आपको बैक स्टेज टेंट के पास ले जा सकते हैं। और तुम ऐसा क्यों करोगे मेरे ये सब बोलने के बाद भी? क्यूट लगी तुम हमें, प्यारा चेहरा, और पता नहीं शायद कभी कभी हमको हीरोगिरी का भूत सवार होता है कुछ अच्छा करने का। बस किसी को भूलिएगा मत, ओके? ओके। तो चलें चुटकी। ऐश, मेरा नाम ऐश है। काश हम कह पाते कि ऐश हो गई हमारी। चले, उम्मीद है कि तुम्हारी उससे मुलाकात हो जाए इससे पहले कि वो इतना टल्ली हो जाए कि तुमसे बात ना कर पाए। जूनियर, तुम हो का? हाँ बाबूजी। अंदर आओ, तुमसे जरूरी बात करनी है। थोड़े देर में आए का बाबूजी? हमने कहा जूनियर अंदर आओ फौरन। अबे अबे यार सुनो, जरा जाके देखना पड़ेगा बाबूजी को। तुम आगे जाओ, इसी लाइन में तीसरा वाला टेंट है उनका। पता है तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, पर मैंने सोचा कि बता दूं कि तुम्हारा यहाँ लौटना अच्छी बात है। थोड़ा कम करोगे पीना? पता है कि सब शो बिजनेस है, लेकिन आज रात मुझे तो लगा कि शो भी खत्म नहीं कर पाओगे तुम। हाँ सही कह रहा है। तो ये जाम शहीद दोस्तों के नाम, टूटे दुश्मनों के नाम, और उनके भी नाम जो दोनों हैं। और तुम कौन? मेरे पास एक मैसेज है उसके लिए, एक फैन का। किस्मत वाली हो, अच्छे मूड में है आज। हे! तुमने किस आंखों पर पट्टी होने के बावजूद तुमने मुझे मार ही दिया था। वो एक वार्निंग शॉट था। कौन हो तुम?
हाय पापा, मैं हूँ ऐश। ऐश? मेरी ऐश? ऐश तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे आपकी हेल्प चाहिए पापा, मुझे किसी को मारना है।